आदिवासी बाहुल्य झाबुआ जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी जोरों पर है। आए दिन युवा नशे की आगोश में समा रहे हैं। झाबुआ पुलिस अधीक्षक अगम जैन, एसडीओपी रविंद्र राठी के मार्गदर्शन में कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी रमेश चंद्र भास्करी ने मेघनगर में मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा कांजवे की तस्करी करते हुए मुख्य आरोपी विजय पिता चतर सिंह बोढ़ाना को गिरफ्तार किया। आरोपी से 1 किलो 135 ग्राम गांजा बरामद किया। जब्त गांजे की कीमत 8,100 रुपए है। गांजा तस्कर को पुलिस ने उसके घर के पास से ही गिरफ्तार किया। दो अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। मामले का खुलासा करते हुए थाना प्रभारी रमेश चंद्र भास्करे ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि मेघनगर के आवास कॉलोनी में अवैध मादक पदार्थ गांजा तस्कर विजय पिता चतर सिंह बोडाना उम्र 34 वर्ष निवासी आवास कॉलोनी से पकड़ा है। आरोपी से 1 किलो 135 ग्राम गांजा जब्त कर आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक महोदय अगम जी द्वारा निर्देशित किया गया था मेघनगर में कि जो अवैध मादक पदार्थ बेच रहे उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। आज मुखबिर की सूचना प्राप्त होने पर आवास कॉलोनी के अंदर विजय पिता छतर सिंह बुराना आज 1 किलो 100 ग्राम गांजा ले जाते हुए अवैध रूप से हमने उसको पकड़ा और उसको गिरफ्तार करा और 8/20 एडीसी के अंतर्गत में उसका अपराध पंजीबद्ध किया है और न्यायालय में पेश किया जा रहा है। और ये गांजा कहाँ से ला रहा है और किसको बेच रहा है ये उसको अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अभी उसने कुछ नहीं बताया है, अभी पूछताछ की जाएगी। आगे जो भी पूछताछ के दौरान जो भी तत्व आएंगे सामने उसके खिलाफ कोई दैनिक कार्रवाई की जाएगी।